अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक डिवीजन के बारे में। साइंटिफिक डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे मतलब पावर को, पॉलीनोमियल की पावर को रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग पॉलीनोमियल्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड द कोशंट। साइंटिफिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, कोशंट एंड रिमाइंडर, कोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलीनोमियल क्या दिया गया है, पॉलीनोमियल दिया गया 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। तो जो पॉलीनोमियल है यार, पॉलीनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, px से। पॉलीनोमियल इज इक्वल टू 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉलीनोमियल हो गया, और ये किसके साथ डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 के साथ। तो जो dx है हमारे पास वो क्या है, x प्लस 1, ठीक है ना। अभी हमने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट को लिखना है by writing the coefficient। तो हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को लिखना है। तो यहां पर इसका इसको मजीद साफ करेंगे, इसकी कोएफिशिएंट को पहले मैं लिखता हूं, फिर इसको साफ करता हूं। तो यहां पर क्या लिखा, 2i, इसका कोएफिशिएंट, इसका क्या कोएफिशिएंट 3 है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 7 है, ठीक है ना। ये हो गए। अभी x प्लस 1, इसको आप क्या करोगे, x प्लस 1 को 0 की इक्वल रखोगे, तो ये प्लस 1 है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x का जो वैल्यू है वो क्या आ गया हमारे पास, माइनस 1 आ गया। तो इधर मैं इसका क्या लिखता हूँ, माइनस 1, ठीक है ना। तो 2 को अभी साइंटिफिक डिवीजन यहाँ से इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, कोएफिशिएंट को डिवाइस की, तो 2, 3, 7। फिर x किसकी, x को हमने x प्लस 1 को 0 की इक्वल रखा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन को अप्लाई करेंगे, तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2, ठीक है ना, माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी 3 में से 2 निकालो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी 1 इस 1 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स, और ये क्या जाएगा, प्लस 1, और रिमाइंडर हमारे पास क्या जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास ये वाला, हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 6। अभी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 x माइनस 2, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एयर px हमारे पास क्या है, x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है ना। और हमारे पास dx क्या है, हमारे पास x माइनस 2 है, ठीक है ना। तो x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो इंप्लाइज दैट माइनस 2 इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2। अभी किसका इस्तेमाल करेंगे, अभी इस्तेमाल करेंगे साइंटिफिक डिवीजन का। साइंटिफिक डिवीजन में क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को लिखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो ये 1 आ गया। ये क्या है, माइनस 2 है, फिर 6 है, फिर ये 4 है, ठीक है। अभी क्या आ जाएगा, ये 2 है, तो 2 आ जाएगा। अभी 1 नीचे मैंने बताया था, एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 × 2, ये 2 आ गया। 2 में से 2 निकालो, 0, अभी 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0, तो 6 का 6 आ जाएगा, तो 2 × 6 = 12, 12 आ गया। अभी 12 और 14 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो आपका जो कोशंट है, कोशंट आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन टाइम या ये 2 यहाँ से कम हो जाएगा, तो सॉरी 1 है, ये क्या जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा पावर x स्क्वायर प्लस 0 को नहीं लिखते हैं प्लस 6, और रिमाइंडर आपके पास क्या गया, रिमाइंडर ये वाला है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 16। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से, ठीक है ना, हम साइंटिफिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन और रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह।